के सफीपुर में किन्नर मुस्कान हत्याकांड के बाद फरार हुए साथी किन्नरों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस की चार टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। किन्नर समाज ने सुरक्षा का खतरा बताकर पुलिस को पत्र दिया है, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई है। उधर चर्चाएं हैं कि किन्नर मुस्कान ने महिला बनने के लिए सर्जरी करवाई थी। आपको बता दें कि पुलिस व सॉट की चार टीमें किन्नर मुस्कान के साथ रह रहे व उसकी हत्या कर भागे किन्नर मथुरा निवासी सलोनी झांसी की अन्नू व मुरादाबाद की रूबी की तलाश में सॉट व कोतवाली पुलिस की टीमें इन जिलों में सुराख कसी शुरू कर दी है। किन्नर गुटों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार एक किन्नर के पकड़ में आने के बाद घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। पुलिस किन्नरों के मोबाइल नंबर व कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। उधर किन्नर मुस्कान की हत्या के बाद बांगरमऊ में रहने वाले किन्नर निशा ने गोंडा टोला स्थित आवास पर बैठक की। किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्ष सईद हाजी ने 3 दिन बीत जाने के बाद हत्यारों को गिरफ्तार न करने पर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सड़क पर प्रदर्शन की बात भी कही। इसके अलावा सुरक्षा की मांग से संबंधित कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPS।